हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी यार, वेलकम टू डीप टेक। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सेकेंड हैंड आईफोन्स एंड नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं, एंड उन्हीं वीडियोस के कमेंट्स में मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई अच्छा सेकेंड हैंड फोन या रिफर्बिश्ड फोन कहां से लें। तो यहां पर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ऐसे इंटरनेट पर सर्च कर रहा था एंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट मिली। वेबसाइट का नाम है कंट्रोल जेड, एंड इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहां पर आप जो भी फोन लोगे वो आपको बिल्कुल न्यू जैसी कंडीशन में मिलेगा। मैंने इनकी वेबसाइट बहुत अच्छे से चेक करी। इस वेबसाइट में एक और खास बात है, इनके जितने भी फोन से सब पर आपको 18 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है, 30 डेज का रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी वेबसाइट पर पूरे फोन्स पर कोई भी कैटेगरी नहीं है, जैसे कि और भी वेबसाइट्स पर रहता है कि फेयर वाला महंगा मिलेगा, गुड वाला और महंगा मिलेगा, एक्सलेंट वाला और महंगा मिलेगा, तो ऐसा कुछ इस वेबसाइट पे नहीं है। आपको सारी डिवाइस लाइक न्यू ही मिलती हैं। ये लोग बल्क में फोन बाय करते हैं, उसको पूरा न्यू बनाते हैं एंड देन वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए मैंने आईफोन XR मंगवा लिया। इसका प्राइस है 21,500 एंड मेरे हिसाब से प्राइस डिसेंट है, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड लेने जाएंगे तो वो आपको 16,000 से 17,000 रुपये का देखने को मिल जाता है सेकेंड हैंड मार्केट में। लेकिन वहाँ पर जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड रहेगा, स्क्रैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे फ़ोन के अंदर, एंड 18 मंथ्स की वारंटी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आईफोन XR को मंगवा लिया है। इसको ओपन कर देखते हैं कि इसका असली सच क्या है। यहाँ पर ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही ऑसम है। ऊपर साइड आपको एप्पल की तरह पील ऑफ सील मिल जाती है। पील ऑफ करने के बाद इसको ओपन करने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। पॉपअप करके फ़ोन बाहर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। बॉक्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फ़ोन मिल जाएगा आपको, 20 वॉट का चार्जर मिल जाता है, एप्पल की लाइटनिंग टू सी टाइप वाली केबल मिल जाती है, एंड यहाँ पर जो केबल की क्वालिटी वो भी अच्छी दी गई है। एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, एंड बॉक्स के अंदर ही आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। यहाँ पर जो फ़ोन की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है, बिल्कुल न्यू जैसा रखा है। स्पीकर्स में कोई भी डस्ट नहीं है, फ्रेम पूरी तरीके से स्क्रैचलेस है लाइक न्यू वन। स्क्रीन के ऊपर आपको डबल लेमिनेशन मिल जाता है, एंड उन दोनों डबल लेमिनेशन को उतारने के बाद यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले वो पूरा ही स्क्रैचलेस लाइक न्यू वन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस फोन को सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा यूज़ करता हूँ, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस फोन को बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने जियो की सिम लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर जब मैंने कॉलिंग करके देखी तो कॉलिंग में भी कोई इशू नहीं है। माइक का जो ईयर पीस है वो भी बहुत साफ है, बहुत क्रिस्प आवाज़ आती है। यहाँ तक कि जो स्पीकर का साउंड है वो भी आपको न्यू जैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने फेस आईडी भी चेक कर ली, फेस आईडी भी ऑन है, बहुत जल्दी रजिस्टर भी हो जाती है। बैटरी भी यहाँ पर ओरिजिनल लगी है, बैटरी हेल्थ 100% है, एंड आपको पता ही होगा कि iOS 16 में अगर फोन का कोई भी पार्ट चेंज होता है तो वो अंदर सेटिंग में बता देता है। मैंने अंदर से जाकर हर चीज चेक कर ली, सब कुछ ओरिजिनली आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर बैटरी को चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट करा था, कैमरा ओपन करा एंड स्ट्रेट 500 शॉट्स लिए थे। उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी है वो 1% ही गिरती है, एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1% भी नहीं गिरती है। अगर 4 से 5% बैटरी गिर जाए तो आप समझ जाइएगा कि बैटरी लोकल है, लेकिन यहाँ पर इस वाले आईफोन XR में आपको ओरिजिनल बैटरी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी पूरा न्यू जैसा है, ट्रू टोन अवेलेबल है, ट्रू टोन चलता है, एंड यहाँ पर मैंने इस पर वीडियोस भी देखी तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा कलर इश्यू देखने को नहीं मिला। डिस्प्ले भी यहाँ पर ओरिजिनल लगा हुआ है। यहाँ पर इस वाले XR को मैंने एप्पल की वेबसाइट पर सीरियल नंबर डालकर भी देखा तो फोन यहाँ पर वेरीफाइड ही मिलता है। इसके टच को भी मैंने बहुत अच्छे से चेक करा, फुली कैलिब्रेट है एंड वर्किंग है। एंड यहाँ पर मैंने एक आइकन को पकड़ के पूरे डिस्प्ले पर घुमाया था तो यहाँ पर आइकन नहीं छोड़ता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो उसका डिस्प्ले का कैलिब्रेशन है वो भी सही है। यहाँ पर टच में भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे इस वेबसाइट ये सारी चीजें अच्छी लगी कि यहाँ पर जो बैटरी है, डिस्प्ले, वो सब आपको ओरिजिनली देखने को मिल जाता है। इसके साथ जो 20 वॉट का चार्जर आता है वो भी बहुत सही तरीके से काम करता है, 5 वॉट चार्जर से तो ये जल्दी ही चार्ज कर देता है। फिजिकल कंडीशन में सुपर मिन कंडीशन है, सारे बटन्स वर्किंग में एंड लाइक न्यू है, एंड ये बटन्स क्लिकी भी हैं, यहाँ तक कि म्यूट स्विच भी परफेक्टली काम कर रहा है। बैक का जो ग्लास है वो भी ओरिजिनल है, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से टेस्ट करा, साइड में कोई पेस्टिंग का इश्यू नहीं है, ना ही ग्लास कहीं से हिल रहा है, तो यहाँ पर जो इसका ग्लास है वो भी आपको ओरिजिनल ही मिल जाता है। मैंने इसमें यहाँ पर गेमिंग भी करके देखी थी, BGMI अच्छा चल जाता है, बैटरी जल्दी ड्रॉप नहीं होती है, ना ही फ़ोन हीट होता है, एंड यहाँ पर जो टच एक्सपीरियंस है, फास्ट मूवमेंट है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये कर लेता है। तो यहाँ पर टच को लेकर मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है। वही मैं बात करता हूँ कैमरास की, तो इसके कैमरास को भी मैंने अच्छे से टेस्ट करा है,
कैमराज यहाँ पर ओरिजिनल है, बहुत से शॉट्स लिए, सही तरीके से काम करता है, फोकसिंग भी सही है, डायनेमिक रेंज को भी सही से कंट्रोल कर लेता है। एंड यहाँ पर जो कलर्स आते हैं वो भी बहुत शानदार आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में स्टेबलाइजेशन भी बेहतरीन हो जाता है, अगर कैमरा ख़राब होता है तो यहाँ पर वीडियो में ब्लर जैसा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसका कैमरा न्यू है तो ऐसा कोई भी इशू मेरे को देखने को नहीं मिला। कैमराज को यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीकी से चेक करा था, कैमराज में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। वहीं जो फ्रंट कैमरा वो भी आपको न्यू जैसा देखने को मिल जाता है। इससे भी मैंने शॉट्स लिए थे, फोटो यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन आते हैं, पोर्ट्रेट सेल्फी भी बहुत अच्छी आ जाती है। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरे में भी कोई भी डस्ट के पार्टिकल देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन कंक्लूजन की, तो मैंने जितना भी इस फोन को टेस्ट करा है, फोन यहाँ पर हर मामले में बेस्ट है, चाहे वो इसकी बैटरी हो, डिस्प्ले हो, कैमराज हो, गेमिंग हो, हर चीज परफेक्टली फाइन इसमें चल रही है। यहाँ तक कि जो इसकी फिजिकल कंडीशन है वो भी आपको सुपर मिंट देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, फ्रेम यहाँ पर आपको डेंट फ्री भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर कंट्रोल जेड वेबसाइट की ये बात अच्छी है कि आपको 18 मंथ की वारंटी मिल जाती है एंड 30 डेज का रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है, तो अगर आपको फोन पसंद नहीं आता है तो आप उसको इजीली रिप्लेस भी करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर इस वेबसाइट का एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अगर आपको ईएमआई पर फोन मंगवाना है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आप लगाकर ईएमआई पर भी फोन मंगवा सकते हैं। तो अगर आप भी जेन्युइन सेकंड हैंड फोन लेने का सोच रहे थे तो यहाँ पर आप रिन्यूड फोन को चेकआउट कर सकते हैं कंट्रोल जेड वेबसाइट पर। यहाँ पर इस फोन को मंगवाने का मेन मकसद यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि इन बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है, फोन ओरिजिनल निकलता है नहीं निकलता, कंडीशन कैसी रहती है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना भी चेक करा है फोन यहाँ पर आपको ओके ही देखने को मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो सेकंड हैंड फोन लेने का सोच रहे हैं तो उनको रिन्यूड फोन मिल जाएगा। मैं और भी ऐसी वेबसाइट को कवर करने की कोशिश करूंगा एंड आपको असली सच बताऊंगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर।